हेलो एवरीवन, सो हमारा जो ऑनगोइंग टॉपिक था दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, आफ्टर दैट थिन रिंग एंड आफ्टर दैट डिस्क, राइट. तो थिन रॉड, थिन रिंग एंड थिन डिस्क की हमने डिफरेंट एक्सिस पे हमने क्या देख लिया, डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया था. आज हम करेंगे और तीन ऑब्जेक्ट. सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट है सॉलिड सिलेंडर. सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड सिलेंडर. अब सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, सॉलिड सिलेंडर. तो यहां पे आपको हमने जो डिस्क बनाया तो कैसा दिया था, हायर ये डिस्क था. अगर मैं डिस्क का लेंथ बढ़ा दूं, If I increase the length of disc, तो क्या ये मेरा सिलेंडर बन जाएगा? If I increase the length of the disc, तो क्या ये मेरा सिलेंडर बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? So disc and cylinder is one and the same. Difference क्या है सिर्फ उनके लेंथ में. अगर उसका thickness कम है, अगर सिलेंडर का thickness क्या है, कम है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, disc बोलेंगे, ठीक है. So disc and cylinder is one and the same. अगर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एक्सिस के अलावा रोटेट कर रहा हूँ, If I am rotating the cylinder along the axis passing through the center of mass, तो क्या होगा, देखो सेम होगा. देखो डिस्क एंड सिलेंडर इज वन एंड द सेम. डिस्क एंड सिलेंडर इज वन एंड द सेम. अगर सिलेंडर का थिकनेस छोटा कर दो तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का था पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वही होगा किसका, सिलेंडर. हमें पता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज एम आर स्क्वायर, ठीक है. तो जो फॉर्मूला था सिलेंडर का था, फॉर डिस्क का था, वही फॉर्मूला किसका बनेगा, सिलेंडर का. अब सिलेंडर में एक और कंसिडर, सॉलिड सिलेंडर समझते हैं. ये सिलेंडर क्या है, पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, हॉलो स्पेस नहीं है, ठीक है. ये था मेरा वर्टिकल सिलेंडर. अगर मैंने सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल कर दिया, स्पेशल केस है ये सिलेंडर का, बच्चों से याद रखो. अगर मैंने सिलेंडर को क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, अभी भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. पर यहां पर देखो, यहां पर एक्स्ट्रा पोटेंशियल क्या था, लेंथ को पैरेलल था. क्या था, लेंथ को पैरेलल. अब यहाँ पर क्या है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर लेंथ को परपेंडिकुलर है. ऐसे टाइम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना ही चाहिए. ये स्पेशल केस है, याद रखना ही पड़ेगा. कब, जब हॉरिजॉन्टल अपना क्या है, सिलेंडर हॉरिजॉन्टल है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू लेंथ. क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू लेंथ. तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय. तो ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 12. ये कैसे आया, समझ रहा, डिस्क का था उसी को क्या कर दिया हमने, सिलेंडर कर दिया. क्यों, बिकॉज डिस्क का लेंथ बढ़ा देंगे क्या मिलेगा हमें, सिलेंडर. और अगर मैं सिलेंडर को क्या कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12. तो सिलेंडर में दो ही कैसे थे, सिलेंडर में ये दो ये. अब हम बात करेंगे इसकी सॉलिड स्फीयर, हम बात करेंगे इसकी सॉलिड स्फीयर. अब स्फीयर सबको पता है क्या होता है, स्फीयर इज फोर डायमेंशनल सर्कल. स्फीयर इज नथिंग बट फोर डायमेंशनल सर्कल. तो स्फीयर की बात करते हैं, हमें हॉलो स्फीयर और रिजिड स्फीयर की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट हॉलो स्फीयर एंड रिजिड स्फीयर, ठीक है. चलो हॉलो स्फीयर सबसे पहले, रिजिड स्फीयर करते हैं, सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर, स्फीयर और रिंग सेम दिखेगा आपको, पर स्फीयर क्या होता समझता है सबको. स्फीयर ये है उसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास में क्या पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये पूरी तरह से फील्ड है, ये पूरी तरह से क्या है, फील्ड है, बराबर. अब ये स्फीयर है ना, स्फीयर
अपने भी याद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्यों लिया, बिकॉज स्फेरिकल या सर्कुलर है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में लास्ट लेक्चर में, अगर अपना क्या है सर्कुलर ऑब्जेक्ट तो एम आर स्क्वायर आता है नॉर्मल फॉर्मूला, और लीनियर ऑब्जेक्ट है तो एम एल स्क्वायर। इसको याद कैसे, देखो स्फीयर है ना, पहला टर्म है क्या है एस, लास्ट टर्म है ये, पहला टर्म क्या है एस, दूसरा टर्म है पी। मतलब अब एस जो है वो किस तरह निकला है, पांच की तरह, सॉरी एस को उल्टा कर दो, एस को क्या कर दो उल्टा कर दो, ये कुछ ऐसे दिखेगा, एस को क्या कर दो उल्टा कर दो, ये कुछ ऐसे दिखेगा। पी मतलब होता है पांच, पांच मतलब फाइव, पांच मतलब फाइव, एस को उल्टा कर दो मतलब पांच, पांच मतलब फाइव, इसका रेशियो क्या आएगा टू बाय फाइव। याद कैसे रखेंगे हम लोग, स्टार्ट कैसे होता है ये S और P से, S को उल्टा कर दो तो टू बन जाएगा, S को उल्टा कर दो क्या बन जाएगा टू, P मतलब क्या है पांच, पांच मतलब फाइव, तो टू बाय फाइव इज मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब आगे बढ़ते हैं, वापिस निकालिए स्फीयर लिया, अब मुझे क्या करना है इस एंड से, ये क्या है मेरा एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द एंड, ये क्या है एंड पे है ना, मुझे इसके अलाउ पता है कितना, कितना इसके अलाउ टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर बराबर। अब मुझे बताओ ये एक्सिस सेंट्रल एक्सिस और ये एक्सिस क्या है पैरेलल, क्या है ये पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल है ये दिस टू आर पैरेलल, तो पैरेलल किस तरह में क्या करते हैं एंड एम आर स्क्वायर, तो क्या करना है मुझे यहाँ पर टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा फाइव, कितना हो जाएगा फाइव इंटू एम आर स्क्वायर, फाइव एम आर स्क्वायर, फाइव एम आर स्क्वायर प्लस टू सेवन एम आर स्क्वायर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन सॉलिड स्फीयर व्हेन इट्स एक्सिस इज एट द एंड, एक्सिस इज एट द एंड एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मतलब ये एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ये एक्सिस जो किसमें है, किसमें है एंड पे है, क्या है दूसरे को पैरेलल, ठीक है। अब बात इन इसमें ये ही दो आते हैं इस, ये और ये नहीं होते, तो ये कैसे क्या रखना पता है एस पी, एस को उल्टा कर दो पी मतलब पास, तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, फिर इसमें क्या करना है अपने को एक सेंट्रल एक्सिस बना ली, उसके बाद क्लास में फाइन करना बना लिया, मुझे पता चलेगा एक दूसरे को पैरेलल है, तो ऐड क्या करना है सिर्फ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हमारे हॉलो शेल, हॉलो शेल बोलो या हॉलो स्फीयर, हॉलो शेल बोलो या हॉलो स्फीयर, चलो यहां पर मुझे पता है आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्यों लिखा ये शेल का पहले पहले फ्री था, अब क्या ये थी खाली है, शेल है पूरा खाली है, इसका एक्स्ट्रा रोटेशन से क्या करना है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड। अब देखो यहाँ पर क्या किया था मैंने, एस लिया था पी लिया था, एस को उल्टा कर दिया था तो टू मिला था, पी को मतलब पांच मिला बराबर। इसके लिए मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म लेना है, कौन सा टर्म लेना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट मतलब एस, लास्ट मतलब ई, ई को ऐसा लिखा इक्वेशन को ऐसे, अब इस दोनों को उल्टा कर दो एस बन जाएगा टू E बन जाएगा थ्री, एस क्या बन जाएगा टू, ई क्या बन जाएगा थ्री, सॉरी
यहाँ पर अच्छे से बताओ, याद कर रखना यहाँ पर मुझे कौन से टर्म देने यहाँ पर एस और ई। वहाँ पर क्या लिए थे सॉलिड सिलेंडर में फर्स्ट सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म, यहाँ पर क्या लेने मुझे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दैट इज ई, फर्स्ट एंड लास्ट। इसको उल्टा करते तो क्या बन जाएगा ये टू, इसको उल्टा कर दो तो इसका रेशियो बनेगा टू बाय, ठीक है। तो ये हो गया मेरा होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर कैसे याद रखेंगे, होलो स्फीयर के लिए क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म लेना है, उसके टर्म लेने हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सिस पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास के एक्सिस। तो यहाँ पर जैसे ऑपोजिट जाएगी एक यहाँ पर एक पैरेलल एक्सिस है मेरे पास, इसको डॉटेड बना, तो क्या बना डॉटेड बना। इसके अलावा पता है मुझे कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर, टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर, ये पैरेलल है इसलिए क्या है ये पैरेलल, पैरेलल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा I is equal to 2 by 3 m r square plus m r square 2 or 3 into m r square 3 m r square 3 m r square plus 2 pi 8 by 3 m r square, ठीक है। तो इजीली आप ये सब याद रख सकते हैं, ये फर्स्ट वन याद रखो सकते हैं, सबके क्या याद रखो फर्स्ट वन याद रखो आपको, बाकी के अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पूछा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो शेल और होलो स्फीयर व्हेन द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हेन पासिंग थ्रू एंड, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब अगर मेरा स्फीयर ऐसा है, स्फीयर कैसा है ऐसा है और मेरा एक्सिस ये है, ये मेरा स्फीयर है और ये मेरा एक्सिस है, तो ये ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा ये ऐसे घूमेगा बराबर। इसके लिए क्या मिलेगा मुझे पाई बाय 3 एम आर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर स्फीयर कम्प्लीटली फिट होलो स्फीयर है पूरा ऐसे घूमेगा क्या मिलेगा 7 बाई 5 एम आर स्क्वायर। ये स्पेशल केस है, इसको याद रखो सिलेंडर अगर मैंने हॉरिजॉन्टल रख दिया, मैंने सिलेंडर कर दिया मैंने हॉरिजॉन्टल रख दिया तो क्या बन जाएगा ये एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लास्ट टू टॉपिक्स दैट इज कोन एंड क्यूब।